अच्छा कभी ऐसा हुआ कि आप लोग ऐसी किसी चीज़ से आप लोग हुआ कि भाई मतलब ऑफ कोर्स हम भी सीनियर आर्टिस्ट, आपने कहा ठीक है मैं भी अगर आप नहीं सही करते तो मैं वॉकआउट करी, कभी ऐसा कोई आपसे सीन हुआ? मैंने नहीं किया ये। पता है कि आपके अंदर का एक क्लॉक चल रही होती है टक 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 टक, वो आपकी कमिटमेंट की क्लॉक, कमिटमेंट आपने कमिटमेंट किया ना, और वो लेकिन एक टाइम बॉम्ब वाली भी चल रही थी कि बस बहुत हो गया, वो फटने वाला है। लेकिन उसमें फिर आपको ये आप सोचते हो ना कि बिकॉज की जी दूसरा जो आपकी जो प्रोडक्शन हाउस है उसको कितना नुकसान होगा आपकी एक एक्ट से, सो यू हैव टू बी अ लिटिल सेल्फलेस। जितने आप सेल्फिश हो जाते हो ना जिंदगी में उतने आप, ये तो आप बड़ी मुश्किल बात है सेल्फलेस कैसे, थोड़ा सा बीन ऑन सेट लिटरली 5 days after my mother passed away. क्योंकि मुझे पता था कि मेरीन जब बाहर न्यूयॉर्क से आई हुई है, बेओ आपा ने वापस लंदन जाना है, ये सीन्स कंप्लीट होने हैं जिसके बगैर प्रोजेक्ट फंस जाएगा और ये मुश्किल में पड़ जाएंगी। और मैं, आप इमेजिन करें कि 5वें दिन आफ्टर माई मदर्स पासिंग हुई, विच वॉज अ वेरी सडन थिंग ऑल्सो, मैं सेट पर गई हूँ और शादी वाले सीन्स हैं जहाँ पर मुझे खुश भी होना है, ढोलक भी बजानी है, आपको करना पड़ता है, करना पड़ता है। सिमिलरली माई हस्बैंड पास्ड अवे, आई वॉज बैक ऑन सेट आफ्टर अ वीक क्योंकि मुझे पता था कि अगले एपिसोड के सीन्स अभी बिल्कुल, सो आपको दिल मार के काम करना पड़ता है। तो फिर जब कोई ये करता है ना कि आपको इस तरह से बिठा कर, ये कमिटमेंट का लेवल है, आई मीन एक इतना बड़ा लॉस और उसके बाद एक हफ्ते के बाद ही हो रहा है। क्योंकि मैंने एक चीज ये सीखी है अपने घर में, अपने वालिदैन से, अपने बड़ों से, इवन अपने शौहर से, कि आपकी वजह से किसी का नुकसान ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी के काम का हर्ज ना हो। रिस्पेक्ट करें ना अगले की, भाई आप अगलों को भी अंडरस्टैंड करें कि मेरी वजह से, जस्ट बिकॉज मैं एक ग्रीफ में हूँ तो अगलों का नुकसान हो जाएगा, उन्होंने जाना है, दो डिफरेंट। अगले कई बार अगर उनके पास मार्जिन हो भी तो अंडरस्टैंड नहीं करते, लेकिन अब इस बात पर लेकिन एक्नॉलेज आपको कौन करेगा? नहीं करते, नहीं अब हमने ये सोचना भी छोड़ दिया ना, कौन एक्नॉलेज करके नहीं ना आपके अंदर नहीं चल रही होती है ना, अपनी अपने ज़मीर के इत्मीनान के लिए, ज़मीर दे दो अल्लाह, सॉरी मेरे दिल से निकली आवाज, अच्छा मुझे हम सबकी दुआएं, आमीन। मुझे ये बताएं कि आजकल के वैसे जो ड्रामा बन रहे हैं समझी, आपको लगता है कि ये ड्रामास जो हैं व्यूअर्स ड्रामा पसंद करें, या फिर व्यूअर्स के पास हमारे कोई ऑप्शन नहीं है जिस टाइप के ड्रामास बन रहे हैं? क्योंकि यूजुअली हम देख रहे हैं कि जी डिवोर्स होगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया, मतलब कुछ जबरदस्त जो कुछ ड्रामों में दिखा रहे हैं ना वो जिंदगी का हिस्सा ही है, ठीक है, और हम लोग इतने अम्यून हो गए हैं जो टीवी पर बैठ के हमारे ड्रामे देखते हैं, अगर कुछ तरह सा हटके भी कुछ होता है ना तो उनको डाइजेस्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, हटके हो गया है, थोड़ा सा उसी तरफ जाओ जहाँ झगड़े हो रहे हैं, जहाँ सास बहू है, जहाँ इससे निकलने में हमें अभी बहुत टाइम लगेगा। और अगर हीरोइन भी रो ना रही हो तो हीरोइन शरीफ नहीं है, जब तक कोई रोएगा नहीं वो हिट नहीं होगा ना, हिट नहीं होगा, होना नहीं है उसमें। इससे मेरी इतनी लड़ाई है, इससे मेरी रेटिंग्स की उसको मेरी प्रॉब्लम, मैं इसीलिए इधर आ गई हूं कि बहुत लड़ाई होती है, ये करती नहीं है ड्रामा, मैं करती नहीं हूं, मैं एक ना इसको पुश, बहुत तकलीफ, लास्ट इसने तुम्हारी मरियम किया था, मैंने इसे पुश किया था, इसे याद होगा, उससे होता नहीं है, करो लड़की को मारो, थप्पड़े मारो उसको, नया एक ट्रेंड आया है, मैं 3-4 प्लेज में देख रही हूँ कि फैमिली वालों ने लड़ा के रात के 12 बजे लड़की को बाहर निकाल दिया, दिस इज अ न्यू ट्रेंड एंड आई हैव सीन इट इन 3-4 एंड आई एम लाइक, मैम किसी से अपनी बात, मैंने कहा मतलब हेलो व्हाट आर यू टीचिंग पीपल, तो दे सेड कि नहीं हम, अच्छा हमारी डिफरेंट ट्रेनिंग है ना, हम सोचते थे कि एंटरटेनमेंट के थ्रू भी कोई चीज़ आप अच्छी सिखा दो, बहुत ही ये है हमारी ट्रेनिंग, ये अब ये है कि जी आपको क्या तकलीफ हो रही है, मैंने कहा जो वो औरतें इतने सारे लोग देख रहे हैं वो लड़कियां क्या है उनका, क्योंकि वो रिक्शे वाले का भी किरदार होता है ना जो देना होता है, अब बाकी आप बात करिए ना, तो मैं मुझे जेहन में आ रहे कई ड्रामे जिसमें एंड में जो लड़की वो लड़की घर से निकाल दी, बाहर वॉक करी, फिर रिक्शे वाले ने उसको रोका कि किधर जा रही हो, या तो रिक्शे वाला खराब नीयत का था, ये बहुत अच्छा बंदा था, मदिया एक अभी बहुत मशहूर, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत मशहूर ड्रामा, बहुत हिट ड्रामा है, उसके एंड में मेरी उनसे भी लड़ाई हो रही थी कि भाई हेलो आपने उस एंड में एक बंदे को, बंदे ने बैठ के दूसरे बंदे को जो कि उसका विलन था उसको मरवा दिया खाना खिला के, मतलब खराब करके, एंड द हीरो इज सिटिंग वॉचिंग दिस पर्सन डाई and he is the hero and he is the hero qatil ban gaya, hero qatil ban gaya, usko ladki mil gayi, mohabbatein ho gayi, gaane kya message diya maine kaha aapne message kya diya ki maar do ki matlab ki agar wo marwana bhi hota to main thi kisi aur se marwa deta, samne baith ke hero ne usko marwa diya and it's okay with everybody, but good storytelling jo meri nazar mein jaise achhi kitab hoti hai, good storytelling ye hai ki aap maashre ki akasi karte hain, maashre mein cheeze ho rahi hain, लेकिन उस अकासी के साथ साथ आप एक मॉरल मैसेज देते हैं, आप गलत को गलत दिखाते हैं, आप मकाफाते अमल का एक एलिमेंट रखते हैं,
आप सिर्फ वो कहानियां नहीं बताते, आप उनकी पॉजिटिव रिटरेशन भी देते हैं। तो हमारे ड्रामों में बताते हैं ये मैसेज होते हैं अच्छे, लेकिन नहीं अच्छा काम भी हो रहा है। एक हमारा बहुत हिट ड्रामा था मेरे पास तो, वो जितना देखा गया तो उसके एंड में क्या उसका क्या मैसेज था, उसका क्या मैसेज था, उसका कोई मतलब ऐसे ड्रामा देते हैं जिसका मैसेज क्या था। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इल्जाम व्यूअर्स को भी देती हूँ ना कि अगर आप एक ड्रामे को इतना हिट करें, और अब तो रेटिंग की गेम से आप हट जाएं, अब आप आ जाएं यूट्यूब व्यूज पे, ठीक है जी 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 जी, क्योंकि रेटिंग का भी हमें पता है वो इतना वो नहीं होता। लेकिन आप लोग एक चीज को देखते हैं और पॉपुलराइज करते हैं और फिर आप उसको गालियां भी देते हैं, क्यों देखते हैं फिर? अच्छा फिर आप उस चीज को देखें ना जो कि एक्चुअली अच्छा कंटेंट आया है। लेकिन अच्छे कंटेंट को देखता कौन है, हम भी अच्छा इतना अच्छा हम कंटेंट कर लेते हैं, इतना पढ़ा लिखा कंटेंट कर लेते हैं टीवी पे, उसके यकीन माने कि उसके वो रेटिंग नहीं आएगी जितना मुझे लगेगा कि हम एक बड़ा मुतवस्सित तबके का बड़ा, और या ऐसी चीजें मुझे लग रहा कि नहीं शायद ये इतनी अच्छी नहीं लगे, उसको कंटेंट मिल जाता है। मैं पढ़ा लिखा शो इतनी बार मैं कर चुकी हूँ, तो मेरा दिल दुखता है, मतलब मुझे लगता है कुर्सी का हक अदा कर दिया, लेकिन एंड में मुझे रोना आ जाता है कि अच्छा मैंने क्यों किया, मैं ना ही करती तो बेहतर था, मतलब अपने शो की स्टैंडिंग खराब करते हैं। लेकिन जब आपने जैसे यूट्यूब व्यूज की बात की, आपको लगता है कि आजकल जैसे अभी पिछले दिनों दानिश नवाज हमारे शो में आए थे, वे बात कर रहे थे कि आजकल हमें बड़ा केयरफुल होकर बोलना चाहिए क्योंकि हम लोग लिटरली भूल गए हैं कि मॉर्निंग शोज कौन से हैं, टीवी के शोज कौन से हैं और पॉडकास्ट कौन से हैं। बहुत सारी बात से आप फेस भी करते हो, उसका प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन एक जो सच का जो है ना वो हमारा एलिमेंट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ वो कहीं खो गया, बिकॉज वी आर सो केयरफुल ऑल द टाइम इन एवरीथिंग दैट वी हैव लॉस्ट The difference between telling lies, वो कहते हैं और सच, मतलब भूल गए हम कहते हैं। But still even आप झूठ और सच में भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि, क्योंकि देखें ना पहले क्या होता था, लोग सर्च करते नहीं आते जी की तस्वीर आ जाती थी, अब आप किसी के बारे में सर्च करें तो उसकी वीडियोज़ भी आ जाती हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं कि बाद में हमारे हमारे सर्च में हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा रहेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी देयर सोशल मीडिया के दौरान। देखिए दोनों चीज़ें हैं, आप सच बोलें और आप ज़रूर बोलें, लेकिन बात सिर्फ वो नहीं होती जो कही जाती है, बात करने का एक तरीका भी होता है, आप वो बात किस तरह कन्वे कर रहे हैं। दूसरी बात ये जो मुझे एक ज़ाती तौर पे थोड़ी सा परेशानी है कि अब पॉडकास्ट के नाम पे और इंटरव्यूज़ के नाम पे जो लोग जिस तरह के सवालात करते हैं हर कोई हैंडल नहीं कर पाता, और आपका काम बहैसियत एक मेज़बान, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी एंकरिंग और होस्टिंग की है, आपकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आप अपने मेहमान की भी तजलील ना करें, ऐसी बात ना करें, और स्पेशली आपका देखिए लाइव शो है, लाइव में कितना आप फिल्टर लेके चल रहे होते हैं मुझे पता है, लेकिन कई दफ़ा आपका रिकॉर्डेड शो है, कोई बात हो भी जाती है, चले किसी ने इनकॉन्फिडेंस आपसे कुछ शेयर कर दिया, अर्जन है, अब आप उल्टा उसकी एक बात यहाँ से ली दूसरी यहाँ से ली उसको जोड़ के आपने टीजर बना दिया, वो टीजर वायरल हो गया,